तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। और ये मिनी जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, मिनी प्रोजेक्ट, ये जो मिनी प्रोजेक्ट है बेसिकली ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट होगा। और मैंने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर लिया, तो मैं इस वीडियोज़ की एक सीरीज़ निकालूंगा जिसमें आपको सभी प्रकार के फंक्शंस, क्या क्या मैंने इसमें यूज़ किए हैं, कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है, वो पूरा सिखाऊंगा। और प्लीज़ यार सभी सीरीज़ को देखिएगा, ये इस वीडियो का पार्ट वन है। और इस पार्ट में हम देखेंगे बेसिकली कि हम इस प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हैं। तो एक C++ का एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मिनी प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट ये आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज को और भी इंक्रीज कर देगा। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो इस प्रोजेक्ट में होने वाला है वो है रीड स्टूडेंट डेटा फ्रॉम फाइल। हम इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें हम क्या कर सकें, किसी भी स्टूडेंट का डेटा जो है वो फाइल से रीड कर सकें। तो ऑब्वियसली अगर डेटा राइट किया होगा फाइल के अंदर तो ही हम रीड कर पाएंगे। तो दूसरी चीज हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टूडेंट डेटा को राइट करेंगे अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। ये दूसरा काम हम इस प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं। तीसरा काम, हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा जो है वो सर्च कर सकते हैं उसके सीरियल नंबर से। कोई भी स्टूडेंट जिसका कोई सीरियल नंबर देंगे पर्टिकुलर, हम उस डेटा को सर्च कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम देख सकें कि उस स्टूडेंट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अब स्टूडेंट डेटा स्टोर करने का मतलब मेरा है कि स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, नेम होगा, फादर नेम होगा, एटसेट्रा, सभी इन्फॉर्मेशन। और चौथा जो हमारे पास होगा वो होगा कि हम पूरा का पूरा डेटा जो है वो जो क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली क्या कर पाएंगे, हम डिलीट कर पाएंगे अपनी फाइल्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं जी, हम चार काम जो हम करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसा सिस्टम हम डिज़ाइन करेंगे जो ये चारों काम कर पाए। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि हम ये काम करने वाले हैं और कौन कौन से फंक्शंस का मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए, डेटा को मैंने फाइल में राइट करवाना है, डेटा को फाइल से रीड करवाना है, इसलिए इसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज़ होगा, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट। तो फाइल हैंडलिंग जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो अगर आपको फाइल हैंडलिंग आती है तो इस प्रोजेक्ट को आप समझ सकेंगे। बेसिकली अगर आपको ये आती है फाइल हैंडलिंग, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत सा आसान रहने वाला है और बहुत ही सही होगा ये प्रोजेक्ट। तो फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस कुछ यूज़ करेंगे हम इसमें, फाइल ओपन करना, फाइल को में डेटा राइट करवाना। तो चलते हैं कि अब देखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या। बेसिकली मैंने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर लिया पहले से, तो अब इस प्रोजेक्ट को हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि क्या क्या करेंगे हम इसमें। तो मैं आपको डेमो बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट में क्या होगा। ये मैंने इस प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से बना के बताऊंगा जो जो मैंने इसमें किया है। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे मैं रन करता हूँ हमारे प्रोजेक्ट में, सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा कि अगर आप स्टूडेंट का डेटा राइट सॉरी अगर आप इस मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करना चाहते हो तो पहले सिक्योरिटी सिस्टम एंटर कीजिए। तो सिक्योरिटी सिस्टम एंटर करने का मतलब बेसिकली यही है कि जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो उसमें आप सिक्योरिटी पासवर्ड लगाते हो, तो मैंने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इस सिस्टम को चलाना चाहोगे तो एक पासवर्ड लगाया है। उस पासवर्ड को आपको इनपुट करना होगा, जैसे मैंने रखा है न्यू पास, और ये पासवर्ड एंटर करने के बाद देखिए करेक्ट पासवर्ड आ चुका है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड पे एंटर करूँगा तो देखिए मेरा सिस्टम जो खुल जाएगा, स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का सिस्टम खुल जाएगा। एक बार और करते हैं हम, मैं इसे फिर से रन करता हूँ और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करूँगा तो ऐसा सिस्टम मैंने डिज़ाइन किया, जैसे मैं यहाँ पे इनकरेक्ट कुछ भी पासवर्ड एंटर करूँगा तो ये आएगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड है। तो जो मेरा करेक्ट पासवर्ड है वो मेरे पास न्यू PASS है, तो ये यहाँ पे चल पड़ा और ये हमारा सिस्टम ऐसा आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास पांच ऑप्शंस होंगे। पहला ये होगा कि हम डेटा को राइट करवाएंगे फाइल के अंदर, डेटा को रीड करवाएंगे फाइल से, डेटा को डिलीट करवाएंगे फाइल से, और सर्च करवाएंगे डेटा को फाइल से, और इस ऐप को एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटस रखा है कि इस फाइल के अंदर इतने डेटा जो अब तक स्टोर्ड हो चुके हैं। तो बेसिकली हम इसमें फाइल हैंडलिंग करने वाले हैं, जरा जो मेरा मेन मकसद इस वीडियो में आपको बताना था। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे डेटा राइट करवाऊंगा तो वन प्रेस करूंगा और डेटा राइट करवाने का सिस्टम खुल जाएगा कि सीरियल नंबर एंटर कीजिए, मैं यहाँ पे दो एंटर करूंगा, नेम एंटर कीजिए स्टूडेंट का, लेट से मैं यहाँ पे रोहित एंटर करूंगा, उसके बाद उसका फादर नेम आएगा तो मैं यहाँ पे राजीव एंटर करूंगा लेट से, उसके बाद मेरे पास आएगा कि उसका रोल नंबर एंटर करो तो मैं रोल नंबर यहाँ पे 8 एंटर कर रहा हूँ,
उसके बाद आएगा कि स्टैंडर्ड क्या है, तो मैं यहाँ पे BCA एंटर करूँगा। और उसके बाद आएगा कि एड्रेस एंटर करिए, तो मैं यहाँ पे अपने एड्रेस दे दूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं अलग अलग इनपुट्स करवाने के लिए, और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे रैंडमली इनको एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज आएगा कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और एंटर प्रेस करने पर मैं मेन मेन्यू में वापस आ जाऊँगा, मेन विंडोज में मैं वापस आ जाऊँगा। तो इस प्रकार ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क करने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टूडेंट डेटा रीड करवाएंगे, स्टूडेंट का डेटा राइट करवाएंगे, और अगर हम सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे फोर प्रेस करना होगा। जैसे मैं फोर प्रेस करता हूँ तो वो बोलेगा कि मेरे जो है डेटा जो है वो दो दो स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर है। तो मान लीजिए मैं दूसरे स्टूडेंट का डेटा रीड करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे दो प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं जी मैं लोडिंग बार बनाया, जो लोड होने के बाद मुझे डिस्प्ले करवा देगा कि इस स्टूडेंट का डेटा क्या रहने वाला है। तो देखिए जो कि मैंने दूसरी सीरियल नंबर वाला सीरियल नंबर एंटर किया और दो पे मेरा ही नेम था और पूरा का पूरा मेरा डेटा डिस्प्ले हो गया। अब मैं मेन मेन्यू में वापस जाऊँगा तो वापस आ चुका हूँ। उसी प्रकार अगर आप ऐप को एग्जिट करना चाहेंगे तो फाइव एंटर करेंगे और वहाँ हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ किया है। और इस वीडियो का मेरा मकसद ये था कि आपको सिर्फ बताना कि प्रोजेक्ट की मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें बनाया है। और ये मैंने खुद से बनाया है, मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, जस्ट मैंने कुछ कंसेप्ट सीखे हैं उससे ही मैंने ये तैयार किया अपने अकॉर्डिंगली। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको भी सीखना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं अगली वीडियो में आपको एक एक कर स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक फंक्शन कैसे कैसे इसका तैयार किया गया है उसे एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा। और गारंटीड चीज़ है कि मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं आपको बार बार डिटेल दे रहा हूँ कि मैंने फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ किया है। फाइल हैंडलिंग में हमने फाइल में डेटा राइट करवाना, उसे ओपन करना है, रीड करना है, इसलिए फाइल हैंडलिंग आना जरूरी है। तो देखेंगे कि किस प्रकार हम फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ कर इन चारों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, तो आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने सर्चिंग के लिए सीरियल नंबर को सर्च किया है, तो उसमें मैंने SIGGPI फंक्शंस का यूज़ किया है। और windows.h हेडर फाइल आप देख ही सकते हैं, जैसे कि windows.h हेडर फाइल लगाई है मैंने यहाँ पे, ताकि मैं इसमें कुछ उसके फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ कर सकूँ। और क्योंकि इसमें फाइल हैंडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लिया है। तो देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और कैसी वीडियोज़ चाहिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो दे रखी है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप मेरे C++ के फ्री कोर्स को एक्सेस कर पा सकते हैं। तो मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में पार्ट टू में, जिसमें मैं आपको शुरुआत करवाऊंगा इस प्रोजेक्ट को बनाने की। तो मिलेंगे अगली पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय बाय।